गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज साइज सेपरेशन का हम नेक्स्ट मेथड कैरी ऑन करते हैं, दैट इज एल्यूट्रिएशन मेथड। पीछे जो लेक्चर में मैंने आपको समझाया था उसमें हमने सेडिमेंटेशन मेथड डिस्कस किया था। जो एल्यूट्रिएशन मेथड है कुछ कुछ सेडिमेंटेशन मेथड जैसा है, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ये सेडिमेंटेशन मेथड से टोटली डिफरेंट है। तो जो एल्यूट्रिएशन मेथड है इसका सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ मैंने जस्ट एक ही कॉलम ड्रॉ किया है, बाकी इसका कुछ डायग्राम अभी पेंडिंग है। यहाँ एक ताकि बाकी मैंने इसलिए पेंडिंग रखा है ताकि आपके सामने ड्रॉ करूंगी तो आपको उसमें समझ में आएगा कि क्या उसमें डिफरेंस है। यहाँ इसके अंदर जो एल्यूट्रिएशन मेथड है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये वर्टिकल कॉलम्स यूज करते हैं। वर्टिकल कॉलम्स जो यूज कर रहे हैं हम इसके अंदर, इसमें नीचे की तरफ यहाँ आउटलेट है जहाँ पे पार्टिकल सेटल डाउन होने के बाद सेपरेट करे होंगे, ये इनलेट है सस्पेंशन के लिए। और इस वर्टिकल कॉलम के जो अपर साइड है, दिस वन, दिस इज द आउटलेट फॉर फाइन पार्टिकल, और ये यहाँ अटैच हो रहा है दूसरे वर्टिकल कॉलम। एक बार पहले तीनों वर्टिकल कॉलम्स ड्रॉ करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। ये एक और यहाँ वर्टिकल कॉलम है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम वर्टिकल कॉलम्स बनाते जाएंगे तो उनका जो डायामीटर है, पहले वर्टिकल कॉलम से दूसरे वर्टिकल कॉलम का जो डायामीटर है थोड़ा ज्यादा होगा। दिस वन इज द नेक्स्ट वर्टिकल कॉलम, दिस वन इज द थर्ड वर्टिकल कॉलम। तो थर्ड वर्टिकल कॉलम पर जो डायमीटर है इससे और ज्यादा होगा। इसके अंदर हमने यहाँ फ्लूइड सस्पेंशन है जिसकी हमने डिफरेंट पार्टिकल साइज रेंज को सेपरेट आउट करना है। दिस इज द सस्पेंशन, दिस इज ऑल्सो द सस्पेंशन। थोड़ा मैं इसको रफली ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज अगेन द सस्पेंशन। यहां से हमने सस्पेंशन को इनलेट से एंटर करवाया। सस्पेंशन को जब इनलेट से एंटर करवाया, इसकी एक चीज, इसकी जो वर्किंग समझेंगे, ये है आपकी इनलेट फॉर द सिकिंग। यहां से आपके पास फ्लूइड एंटर करेगा इस तरह से, और यहां से आपके पास फ्लूइड फिर से एंटर करेगा इस तरह से। ये मैं आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगी कि इसमें ये वर्किंग होती है। सबसे पहले है इसके अंदर प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच एल्यूट्रिएशन मेथड वर्क्स? एल्यूट्रिएशन मेथड जनरली वर्क्स एज इन द डिफरेंट वे दैट ऑफ द सेडिमेंटेशन रेट। इसमें क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स तो वही सेडिमेंटेशन की वजह से, सेटलिंग डाउन की वजह से हमेशा नीचे की तरफ मूव करेंगे, लेकिन जो फ्लूइड है इसमें, फ्लूइड इसमें ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अब जो फ्लूइड की विस्कोसिटी है, अगर तो फ्लूइड की विस्कोसिटी इसके अंदर कम होगी, अगर तो
विस्कोसिटी की सॉरी वेलोसिटी, अगर तो इसमें फ्लूइड की जो वेलोसिटी है इसके अंदर कम होगी, तो फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी कम होने की वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स है इसके साथ ऊपर मूव करेंगे, और मूव करने के बाद ये सेकंड जो ये आउटलेट है, इस आउटलेट से पार्टिकल सेकंड कॉलम के अंदर एंटर कर जाएंगे। लेकिन अगर इसमें फ्लूइड की वेलोसिटी पार्टिकल्स की वेलोसिटी के कंपैरिजन में, सॉरी, अगर फ्लूइड की वेलोसिटी, दोबारा से रिपीट करती हूँ कि अगर इसमें एक्चुअली जो सेपरेशन होती है वो इस चीज के ऊपर बेस्ड है, उनकी जो फ्लूइड है और जो पार्टिकल है इसमें, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। हमेशा जो फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और जो पार्टिकल है वो हमेशा नीचे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अब पार्टिकल्स का वेट भी होगा, मास भी होगा। अब जो अगर फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विल बी मोर, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो अपने साथ पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ ले जाएगा। मैंने शायद पीछे थोड़ा उल्टा बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि जो फ्लूइड की अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से, इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विल बी मोर, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज मोर, ठीक है, इज मोर, तो वो क्या करेगा, जो पार्टिकल्स हैं पार्टिकल्स को भी अपने साथ ऊपर की तरफ मूव कर लेगा, और ये पार्टिकल्स जो है और फ्लूइड है ये इस वाली आउटलेट से वापस इन द लोअर पार्ट ऑफ सेकेंड कॉलम दे विल एंटर। सेम प्रोसेस इसके अंदर होगी, और अगर पार्टिकल फ्लूइड की वेलोसिटी पार्टिकल्स की वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स इसके साथ ऊपर मूव करेंगे और थर्ड कॉलम के अंदर एंटर कर जाएंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि अगर फ्लूइड की वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी से कम होती है तो उस केस में पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे और यहाँ हमें कोर्स और बड़े पार्टिकल्स इसके साथ सेपरेट आउट हो जाएंगे। जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो फाइन पार्टिकल्स फ्लूइड के साथ मूव करके नेक्स्ट कॉलम के अंदर एंटर करेंगे। तो यही सेम प्रोसेस इसके अंदर रिपीट होगी। अब जो इसके अंदर हमने डिफरेंट जो कॉलम्स हैं वो हमने अलग अलग डायमीटर के किस लिए बनाए, उसका भी एक लॉजिकल पर्पस है, क्योंकि जो डायमीटर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फ्लूइड की वेलोसिटी कम होने की वजह से पार्टिकल्स ऊपर कम मूव करेंगे, नीचे सेटल डाउन ज्यादा हो जाएंगे, और यहाँ से जो पार्टिकल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज रेंज के सेपरेट हो जाएंगे। इसमें हम जैसे ये तो हमने यहाँ पे सिर्फ तीन ही वर्टिकल कॉलम्स दिखाए हुए हैं, लेकिन आप इसमें चाहो जितने मर्जी वर्टिकल कॉलम्स इसमें आप अटैच कर सकते हो, और उससे हम एक डिफरेंट पार्टिकल साइज रेंज से अकर कर सकते हैं। अब इसको थोड़े मैं इसके मेन मेन पॉइंट यहाँ नोट कर देती हूँ कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द एल्यूट्रिएशन मेथड। द एल्यूट्रिएशन इट इज बेस्ड ऑन द एल्यूट्रिएशन मेथड इज बेस्ड on principle on the opposite flow of fluid or suspension and particles। ये दोनों हमेशा oppositely flow करते हैं। They will always move in the opposite, or they will always move in the opposite direction of the fluid and particles. The velocity of first point hai, second jo point hai isme, velocity of fluid, isme main point aap note kar le, velocity of fluid is determining step, determining means rate determining step of the process। कैसे? Because if the velocity of fluid is more
then is more than particles, then particles will move, particles will move in, particles will move in upper direction, with fluid, but if velocity of fluid is less than particles, then particles will settle down in column and get separated. ये मैंने इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इसको मैंने अलग अलग कलर से या अलग अलग स्टेप से मैंने इसलिए लिखा है ताकि इसको आपको इसका जो वर्किंग है, इसका मेन प्रिंसिपल आपको इसका समझ में आ जाए कि क्यों, क्या मेन प्रिंसिपल है इसकी वर्किंग का। प्रिंसिपल समझ में आ गया तो इसकी प्रोसेस, इसकी वर्किंग, इसकी कंस्ट्रक्शन तो आप खुद ही समझ लो। दोबारा से रिपीट करती हूँ कि व्हाट इज द प्रिंसिपल। इट इज मेनली बेस्ड अपॉन द ऑपोजिट फ्लो ऑफ द फ्लूइड एंड द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हैं और फ्लूइड है वो हमेशा अपोजिटली फ्लो करते हैं। फ्लूइड हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेगा और पार्टिकल्स हमेशा इसमें नीचे की तरफ मूव करेंगे। सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? किसी भी प्रोसेस का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होता है जो उसके अंदर स्लो स्टेप होता है। जैसे आपने केमिस्ट्री में बहुत सी रिएक्शंस पढ़ी होंगी, उसमें कई रिएक्शंस, जैसे एक प्रोडक्ट को कोई भी जो सिंपल केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो भी एक स्टेप में पूरी नहीं होती, उनके बीच में बहुत से इंटरमीडिएट्स बनते हैं। लेकिन मतलब कोई एक स्टेप ऐसा होता है कि जो इंटरमीडिएट है बहुत स्लो रेट पे बनते हैं, जो उस रिएक्शन में सबसे स्लो स्टेप होगा उसको हमेशा उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब उसका कंट्रोलिंग स्टेप। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी रिएक्शन है, बाकी स्टेप अगर फास्टली हो रहे हैं, अपनी स्पीड से हो रहे हैं, तो जब तक वो जो स्लो स्टेप है उससे अपना प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो बाकी रिएक्शन उससे कंट्रोल हो गई। उसी तरह से इस केस में भी जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अगर तो वेलोसिटी फ्लूइड की ज्यादा है, अगर वेलोसिटी फ्लूइड की ज्यादा है तो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स उसी फ्लो के साथ बह जाएंगे, उसी वेलोसिटी के साथ बह जाएंगे और वो नेक्स्ट कॉलम के अंदर एंटर कर जाएंगे। लेकिन अगर पार्टिकल्स वेलोसिटी फ्लूइड की कम है तो वेलोसिटी फ्लूइड की कम होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स उससे ज्यादा हो जाएगा। देखो, जब अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी की वजह से जो फोर्स लग रही है, काइनेटिक फोर्स है, वो ज्यादा हो जाएगी। काइनेटिक फोर्स ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर लेगी और पार्टिकल्स को अपने साथ बहा के ले जाएगी। सिंपल सी बात है, जैसे पानी है, पानी का बहाव अगर ज्यादा होगा तो अपने साथ आने में, रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा के ले जाएगा। लेकिन अगर पानी की स्पीड ही स्लो है तो बीच में जो भी चीज आएगी उसकी वजह से पानी का फ्लो भी रुक जाएगा और बड़े बड़े पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। तो सेम इसमें कि जब काइनेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर लेगा तो उसकी वजह से पार्टिकल्स ऊपर मूव कर जाएंगे और जब वेलोसिटी इसमें कम हो जाएगी तो पार्टिकल्स इसमें सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले कॉलम में तो क्या होगा कि पार्टिकल्स जो हमें मिलेंगे बड़ी साइज रेंज के मिलेंगे। जैसे अगर हमने डायमीटर बड़ा कर दिया तो डायमीटर बड़ा करने की वजह से क्या होगा, अगर कोई पानी फ्लो कर रहा है, एक तो पानी को छोटे सी पाइप से फ्लो कर रहा है और एक उतना ही पानी एक बड़ी स्पेस से फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी जो है सरफेस एरिया की हमेशा अपोजिट काम करती है। तो इसमें भी क्या होगा कि वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम होने की वजह से यहाँ पे जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होने लग जाएंगे। इस तरह से जैसे जैसे कॉलम का साइज बढ़ता जाएगा, डायमीटर बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी और फाइन पार्टिकल्स वैसे ही सेपरेट होते जाएंगे। तो ये था जो है प्रिंसिपल एलोकेशन मेथड का। बुक में भी सब
मिल जाएगा, लेकिन उसपे थ्योरेटिकल पर्पस है, बेटर है कि आप इसके ये पॉइंट नोट कर लें ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। क्लियर है? तो इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं इसकी मेनली कंस्ट्रक्शन के पॉइंट या जो मेन पॉइंट जो हमें कंसिडर करने चाहिए। कंस्ट्रक्शन तो अब इसकी आपको समझ में आ ही गई कि कहां क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के जो मेन पॉइंट है वो मैं यहां लिखूंगी सर। नेक्स्ट इज अ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, जो फ्लूइड यूज करते हैं, जो इनसॉल्युबल मटेरियल्स हैं, इनसॉल्युबल मटेरियल के लिए हम हमेशा यूज करते हैं वाटर। और अगर कोई सोल्यूबल मटेरियल है, सपोज पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उसके केस में हम गैसेस भी यूज कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है, गैसेस के ऊपर भी अप्लाई होता है। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर जो आपके पास जो कॉलम्स हैं जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, कॉलम्स में जो इनलेट होगी, इनलेट फॉर द फ्लूइड, इट विल बी ऑन द बेस साइड पे होगी। देन और जो इसमें आउटलेट होगी, आउटलेट विल बी फ्रॉम अपर साइड ऑफ वन कॉलम एंड अटैच की बजाय हम यहां लिख देते हैं लिंक्ड टू लोअर साइड ऑफ नेक्स्ट कॉलम। ये चीज थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है जो इसके अंदर जो कॉलम्स हैं, दे मस्ट बी ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर। ये प्रिकॉशंस हैं जो इसकी कंस्ट्रक्शन में लेने वाली हैं कि जो इसके अंदर जो आप फ्लूइड है, अगर तो आपका इनसॉल्युबल मटेरियल है तो वाटर यूज कर सकते हैं, अगर आपका सॉल्युबल मटेरियल है तो उस केस में आप गैसेस यूज कर सकते हैं। हमेशा जो इनलेट है सस्पेंशन के लिए या जो फ्लूइड के लिए है वो हमेशा लोअर साइड पे होगी, जो आउटलेट है वो अपर साइड पे होगी, अपर साइड के आउटलेट से जो आपके कॉलम के बेस के ऊपर वो नीचे लीक हो जाता है, यहाँ पे इसकी एंट्री होती है, और यहाँ से जो यहाँ नीचे जो बिल्कुल लोअर पोर्शन है इसका, जिस यहाँ से हम जो है यहाँ पे इसमें पार्टिकल्स कलेक्ट करते हैं। जो कॉलम्स है इसमें वो इंक्रीजिंग डायमीटर के ही कॉलम्स होते हैं कि जैसे जैसे हम इसमें नेक्स्ट कॉलम्स अटैच करते जाएंगे उन जो कॉलम्स का जो डायमीटर है वो आगे बढ़ता जाना चाहिए, क्योंकि अगर कॉलम्स का डायमीटर हम कंसिस्टेंट रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि फ्लूइड की वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी नहीं बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो वेरी फाइन पार्टिकल्स हैं उन फाइन पार्टिकल्स को हमारे लिए सेपरेट आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं इस मेथड के, जो एलिब्रेशन मेथड की हैं। सबसे बड़ा इसकी एडवांटेज है कि इसमें जो ये बड़ा रिलायबल मेथड है, एडवांटेजेस एक तो ये रिलायबल मेथड है। सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस मेथड है, कहीं भी इसमें हम स्टॉप नहीं कर सकते करते इसको। थर्ड वन इसके अंदर है कि नंबर ऑफ कॉलम्स मे बी अटैच्ड टू गेट वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इसमें जितने चाहे हम उतने उसकी इसके अंदर अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज?
जो मेन इसकी डिसएडवांटेज है, एक तो स्किल्ड पर्सन हमें इसके लिए चाहिए, स्किल्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड, एंड सेकेंड वन इज हाई इंक्लूड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द सिस्टम। समझ में आया? एडवांटेज क्या है, जो पीछे हमने मेथड किया था सेडिमेंटेशन मेथड या सेविंग मेथड, आप उसे कंपैरिजन करके देखो कि जो सेडिमेंटेशन या सेविंग मेथड था उनको हम कहीं ना कहीं मैन्युअली ऑपरेट कर रहे थे, है ना। तो उसमें जैसे सीविंग मेथड में तो हमने जैसे टैपिंग की, शेकिंग की, या हमने जो सीव्स को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया, कहीं ना कहीं टैपिंग में, कहीं ना कहीं शेकिंग में, या जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, या कलेक्टिंग में, कहीं ना कहीं मैनुअल जब करते हैं तो उसमें एरर आ जाते हैं। इसी तरह से जो हम सेडिमेंटेशन मेथड किया था, सेडिमेंटेशन मेथड में भी हमने उसमें जो सैंपल्स कलेक्ट किए थे, कहीं टाइम इंटरवल हमने अपनी मर्जी से सेट किया था, अमाउंट ऑफ सैंपल कितना कलेक्ट किया है, वेइंग कितनी करनी है, मतलब वेइंग कैसे करनी है, या उनको कितनी हाइट के ऊपर एडजस्ट करना है, तो वो सारी चीजें उसमें मैनुअल थी। जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को मैनुअली परफॉर्म करते हैं, और अगर कोई एक्सपेरिमेंट साइड बाय साइड टेक्निकली अपने आप मैकेनिकली परफॉर्म होता है, तो आप कभी भी देखिए कि उसमें कंपैरेटिवली ह्यूमन परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एरर जरूर आएगा। तो इस मेथड में क्या होगा कि ये जो इल्यूट्रेशन मेथड है इसमें ऐसा कुछ भी मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, सारा सिस्टम अपने आप चल रहा है कि अगर फ्लूइड, अगर पार्टिकल्स लाइट होंगे तो वो अपने आप ऊपर फ्लो कर जाएंगे, पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, बड़े होंगे तो पार्टिकल्स अपने आप नीचे से सेपरेट आउट हो जाएंगे, वी हैव टू जस्ट, ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसलिए इट इज कंपैरेटिवली रिलायबल कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें जितने चाहो आप नंबर ऑफ कॉलम्स इसके अंदर आप अटैच कर सकते हो, और इसके अंदर जो हम डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल्स हमें चाहिए, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि सारे सिस्टम की देखरेख के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए हमें एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन की जरूरत है। दूसरा, इसके अंदर जो हमें हाई फ्लूइड एनर्जी की जरूरत है, ताकि इसके अंदर जो फ्लूइड एनर्जी मेंटेन रहेगी, क्योंकि ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो वेलोसिटी के ऊपर ही बेस्ड है। अगर कहीं भी वेलोसिटी का सिस्टम गड़बड़ा गया तो ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट है आपका फेल हो जाएगा। सो दिस वाज द इल्यूट्रेशन मेथड, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है इल्यूट्रेशन मेथड, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसका डायग्राम समझिए। अगर कोई आपके आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के उसको क्लियर कर सकते हो। इसका सिर्फ एक ही मेथड रह गया, साइक्लोन सेपरेटर मेथड, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और उसी के साथ हमारा साइज सेपरेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।